और धीरे से बोलूंगा, है ना, वीडियो बन रहा है। स्टार्ट हो गया, सुनिए मेरी बात सर। प्रॉफिट एंड लॉस, मैं अभी के लिए आप लोग ऐसा एज्यूम कीजिए कि सर मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं है ना किताबों को खरीदने और बेचने का काम करता हूँ। आप कहीं से मार्केट से कोई किताब खरीद कर लाए 400 रुपए में, तो आप बोलेंगे सर मैंने है ना 400 रुपए में खरीदी है, तो जितने में मैं खरीदता हूँ उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। क्या इतना समझ पाए? जितने में कोई व्यक्ति कोई सी वस्तु खरीदता है ना उसको बोला जाता है क्रय मूल्य। अब सुनिए मेरी बात सर, अगर मान लीजिए कि मैं दुकानदार हूं और मैं 400 में खरीद के लाया हूं, आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका पर्पस है प्रॉफिट कमाना। क्या आपको पता हर व्यक्ति बिजनेस इसी पर्पस से करता है कि यार मैं कुछ ना कुछ लाभ कमाऊंगा, समझ पाए? तो आप बोलेंगे सर मैं 400 में तो खरीद के लाया हूं लेकिन अब 400 में बेचूंगा नहीं, मैं 400 से ज्यादा में ही बेचने की कोशिश करूंगा। समझ पाए मेरी बात को? हम 400 में मार्केट से खरीद के लाए हैं लेकिन 400 में नहीं बेचेंगे, 400 से ज्यादा में बेचेंगे। अच्छा मान लीजिए कि आपने है ना 400 में खरीद कर लाए और 400 में खरीद कर लाकर उस पर जो टैग लगा हुआ होता है, उस पर जो अंकित होता है ना, आपने अपने पेन से उस पर अंकित कर दिया 600 रुपया, आपने लिख दिया है, अंकित कर दिया है 600 रुपया। देखो बुक पर या किसी भी आइटम पर, किसी भी आइटम पर जो रुपया छपा हुआ होता ना उस छपे हुए को क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। सारी सिचुएशन को बड़े ध्यान से समझना। आप खरीद के लाए 400 रुपए में, तो जितने में खरीद के लाए वो कॉस्ट प्राइस सर। उसके बाद में हमने क्या करा कि उस पर छाप दिया है 600 रुपया। अब सुनो मेरी बात, आप लाख कोशिशें कर रहे हो इसको 600 रुपए में बेचने की लेकिन किसी कारण से वो बिक नहीं रही है ना, क्योंकि लोगों को उसके प्राइस ज्यादा लग रहे हैं। आप जब किसी आपके पास कोई ग्राहक आता है वो बोलता भैया वो किताब दे दो, आप जैसे ही बोलते हो 600 रुपए भाग जाता है वो, क्योंकि उसको 600 रुपए बहुत ज्यादा लग रहे। तो आप क्या करोगे उस पर है ना कुछ डिस्काउंट दे दोगे ताकि वो किताब बिक जाए। तो आप बोलेंगे सर है ना मैं काम करता हूं, अब 600 में तो माल बिक नहीं रहा है, अगर 600 में बिक नहीं रहा है ना तो मैं 100 रुपया कम कर देता हूं 500। और आपने देखा कि 500 रुपए में वो किताब बिक गई, तो जितने में बिकती है ना उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। पहले तो आप मुझे ये बताइए क्या ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई, तीनों शब्द समझ में आ गए? सर कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में दुकानदार खरीदेगा, या मेरी बात सुनो, अच्छा चलो जितने में दुकानदार खरीदेगा ये उसका कॉस्ट प्राइस, उस पर अगर 600 रुपए छपा हुआ है तो ये अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस। सर उसने बेचा है हमको 500 रुपए में, तो ये 500 रुपए उसके लिए दुकानदार के लिए, दुकानदार के लिए है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। लेकिन मुझे ये बताओ मैंने खरीदी है 500 में, तो अगर मैंने 500 में खरीदी है तो ये 500 दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य है लेकिन मेरे लिए क्रय मूल्य, मेरे लिए क्रय मूल्य, दुकानदार के लिए ये 500 विक्रय मूल्य क्योंकि 500 में वो बेच रहा है। लेकिन आप बोलेंगे सर आपने तो खरीदी है, अगर आपने खरीदी तो आपके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस है। इतना समझ गए? बताओ मुझे 400 में खरीदा 500 में बेचा कितना रुपया कमाया? 100 रुपया कमा गया सर। तो अगर कमाते हैं तो उसे बोला जाता है लाभ, प्रॉफिट। सर इस बंदे ने 600 रुपए छापा था लेकिन 600 में ये बिकी नहीं, अगर बिकी नहीं तो उसने बेची कितने में? सर उसने तो डिस्काउंट दिया। मेरी बात सुनिए, मान लीजिए कि मैं दुकानदार हूं, मैं दुकानदार हूं, आप मेरे पास आए, आपने बोला सर वो किताब दे दो, मैंने आपके सामने किताब रखी और आपको बोला 600 रुपए की भैया ये किताब, आप मुझसे बार्गेनिंग करने लगे, आपने मुझे बोला सर हम इतनी नहीं दे पाएंगे, 600 रुपए बहुत ज्यादा है ना, तो मैंने आपको 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है ना, तो ये जो 100 रुपए है ना ये 100 रुपया कहलाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट या इसी को बोलते हैं छूट।
या इसी को बोला जाता है छूट या बट्टा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये 100 रुपए की छूट कितने रुपए पर मिली है, 500 या 600? आप बोलेंगे सर 600 पर, 600 पर मिली है। सर वो मुझसे छूट का परसेंटेज पूछेगा, वो पूछेगा कि भाई डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपसे बोलू डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो आप ऊपर तो हमेशा रखते हैं डिस्काउंट, आप बोलेंगे सर ये 100 रुपए का डिस्काउंट मिला है मुझे 600 रुपए पर, ना कि 500 पर। देखो 600 रुपए पर 100 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 500 में बेचा, तो ये 100 रुपए का डिस्काउंट 600 पर मिला है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई आप डिस्काउंट परसेंटेज बताओ, तो आप बोलेंगे सर 100 रुपया 600 रुपए पर मिला है, तो 100 रुपया 600 रुपए का कितना परसेंट? क्या किसी को पता है 100/6 मतलब 1/6 का फ्रैक्शन? बोलिए ना, 16 सही 2/3। ये मैं आपको परसेंटेज के टाइम बता चुका हूं, 16 सही 2/3% इतने का डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का फार्मूला लिखेंगे, सर डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्केट प्राइस पर, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमपी, एमपी मतलब मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सर इसकी आगे जरूरत पड़ेगी हमें, अगला सुनो, अगला सुनिएगा। अच्छा मुझे बताइए, आपने 400 में खरीदी 500 में बेची, आपने बीच में कितना कमाया? ये 100 रुपया कमाया कितने पर, 400 पर या 500 पर? क्योंकि आपकी जेब से तो 400 ही लगे ना, आपका इन्वेस्टमेंट तो 400 था, 400 रुपए लगाकर 500 रुपए बना लिए, तो आप बोलेंगे सर मेरी जेब से तो 400 ही लगे थे, 400 के 500 बन गए, इसका मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट 400 और 400 पर 100 रुपया कमाया। मैं आपसे बोलता हूं आपने परसेंटेज में कितना कमाया, तो आप बोलेंगे सर 100 रुपया कमाया कितने पर, 400 पर। 100 रुपया 400 का कितना परसेंट, 25%। आप बोलेंगे सर 100/4 का मतलब होता है 25% का प्रॉफिट, तो अब आप प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिखेंगे, सर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू जो भी प्रॉफिट हो वो डिवाइडेड बाय सीपी, प्रॉफिट हमेशा निकलता है सीपी पर, मल्टीप्लाई 100। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है सर कि कोई सी चीज लॉस पर बेची जाए, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से, बाय चांस ऐसा होता है कि आप 400 में खरीद कर लाए, आपने 600 रुपए छाप दिए, 500 रुपए में भी बेचने की कोशिश की, माल बिकी नहीं रहा है। अगर बिकी नहीं रहा है और आपका पर्पस है कि यार कम से कम मैंने जितनी पूंजी लगाई वो तो वापस आ जाए, मेरा इन्वेस्टमेंट तो वापस आ जाए, प्रॉफिट नहीं कमाना मुझे, अरे यार तुम्हें नहीं पता दुकानदार सेल लगाता है, वो सेल को वो आधे भाव में कपड़े बेचता है, उसको बेचने का पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस ये होता है कि वो कपड़े बिक ही नहीं रहे, उसने जो छापा और जितने में बेचने की कोशिश कर रहा बिक नहीं रहे, तो उस पर डिस्काउंट दे देता है, या वो कम से कम इतना डिस्काउंट दे देता है कि मैंने जितनी पूंजी लगाई वो तो निकल जाए कम से कम, समझ पा रहे हैं? तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार आप कोशिश कर रहे हैं कि 400 में बिक जाए, 500 में बिक नहीं रही, 600 में बिक नहीं रही, 400 में बेचने की कोशिश की, सर 400 में भी नहीं बिक रही। मान लीजिए कि एक दुकानदार, एक ग्राहक आपके पास में फंस जाता है और वो बोलता है हाउ लाओ सर मेरे को दे दो, लेकिन मैं इसके 360 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। अब तुम बोलोगे यार सर लॉस हो गया, खरीद के लाए 400 में, 360 में बेचना पड़ रहा है, समझ पा रहे हैं? क्या हानि हो गई है, लॉस हो गया। अच्छा कितने रुपए का लॉस, कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट पर, बताओ कितने परसेंट? आप बोलेंगे 10%, आप बोलेंगे 10%, 10% का लॉस, हानि, आप लिखेगा लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज भी निकाला जाता है सीपी पर, लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। क्या आपको ये तीन छोटे छोटे फार्मूले याद रहेंगे, प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, लॉस परसेंटेज। और ये डिस्काउंट आगे आने वाले समय में अपने को जरूरत पड़ेगी, डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं डिस्काउंट बटा मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। क्लियर है इतनी टर्मिनोलॉजी, सारी बात समझ गए होंगे, और भी आगे अपने को जरूरत पड़ेगी तो आगे आने वाले समय में अपन देखते जाएंगे। लिखेगा पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखेगा बहुत ही सिंपल सा, एक वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस,
एक वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 120 120 रुपया है तथा विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस तथा विक्रय मूल्य 150 150 रुपया है तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो लाभ प्रतिशत बताइए। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। करिए सभी लोग एक बार कोशिश। 120 में खरीदा, 150 में बेचा। आप बोलेंगे सर 120 में हम खरीद के लाए, 150 में बेच रहे हैं, क्या 30 रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं? और 30 रुपए का मुनाफा कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट पे? 120 से, क्योंकि आपकी जेब से तो 120 ही लगा था। तो आप बोलेंगे सर 30 रुपए का मुनाफा या फायदा 120 पर, तो 30 120 का कितना परसेंट? आप बोलेंगे सर ये जीरो से ये जीरो गया, 3 चौके 12, 4 से ये जाएगा 25 बार, 25%। अच्छा ये 30 कैसे आया है? सर हमने ना सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दिया तो प्रॉफिट आ गया है। भैया ये एक फार्मूला और लिख लीजिएगा, हालांकि ये फार्मूला क्या है तो प्रैक्टिकल लाइफ पर भाई प्रैक्टिकल बातें। सर अगर मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा 30 रुपया। भाई 120 में खरीदा, 150 में बेचा, तो अगर 150 में से 120 घटा दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। इसकी भी आने वाले समय में हमें जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा इसे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एक वस्तु का सीपी 800 रुपए, 800 रुपए तथा एसपी 2400 रुपए, 2400, 2400 रुपए है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज 200, कंफ्यूजन 200 या 300। 800 में खरीदा, 2400 में बेचा, देखो बीच में कितना कमाया, 200%, है ना? जल्दी करें लेकिन इतनी भी नहीं कि गलती हो, 300 नहीं 200, बिल्कुल सही है। 800 में खरीद के 2400 में बेचेंगे तो 1600 कमाएंगे, तो आप देख लीजिए 1600 800 का 200% होता है। चलिए आइए बता देता हूं। फिर से आप मुझे यही बात बोलेंगे, सर हमने उसने दे रखा है सीपी 800 और एसपी 2400, सर हम किसी वस्तु को 800 में खरीद कर ला रहे हैं और 2400 रुपए में बेच रहे हैं, क्या आपको पता है 2400 में बेचोगे 800 में खरीदोगे, 800 में खरीद कर 2400 में बेचोगे तो 1600 रुपया कमा लोगे, अरे ये प्रॉफिट आ जाएगा 1600, क्लियर है इतना? अब वो बोल रहा बस प्रॉफिट परसेंटेज बता दो, तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट परसेंटेज तो अभी लिखा है मैंने, प्रॉफिट हमेशा निकलता है सीपी पर, सीपी पर। तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट है 1600 डिवाइडेड बाय सीपी, अच्छा सीपी है 800, तो 1600 800 का कितना परसेंट? 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 दूनी 16, 200%। चले नेक्स्ट पर। एक बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। आप मुझे बस ये बताइए कि प्रॉफिट को सीपी पे काउंट करते हैं या एसपी पे? सर परसेंटेज में प्रॉफिट को हमेशा सीपी पर काउंट करते हैं, नीचे हमेशा सीपी आता है। लेकिन मैं बोल दूं कि अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में लिख कर दे दे कि नहीं आपको एसपी पर काउंट करो, तो फिर आपको एसपी पर काउंट करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर ऐसा होता तो नहीं है, काउंट तो हमेशा सीपी पर होता है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने हमें यह बोल दिया, एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि भैया आपको एसपी पर काउंट करो, तो आपको यहां पर एसपी पर ही काउंट करना पड़ेगा। इतनी बात समझे मेरी? लिखेगा एक क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम का,
है ना, पीबी ने पूछा ये क्वेश्चन, एक दुकानदार गलती से, और इस लाइन को भी लिख रहा हो गलती से ऐसा हुआ कि एसपी पर काउंट किया उसने, एक दुकानदार गलती से अपना प्रॉफिट अपना लाभ, एक दुकानदार गलती से अपना लाभ विक्रय मूल्य पर काउंट करता है, विक्रय मूल्य पर गणना करता है, सेलिंग प्राइस पर। आप बोलेंगे सर ऐसा होता तो नहीं है, पर उससे गलती हो गई बेचारे से, गलती से उसने एसपी पर काउंट कर लिया, विक्रय मूल्य पर गणना करता है और उसे 25% पाता है। उसने देखा कि 25% का प्रॉफिट हुआ, 25% और उसे 25% 25% पाता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। बताइएगा, ऑप्शन की जरूरत है क्या? अगर जरूरत हो तो मैं दे देता हूं, मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन दिए गए हैं 20%, 25, 33 इंटीजर 1/3 और 50। 20%, 25%, 33 इंटीजर 1/3% और 50%, ये ऑप्शन है चार। देखें एक बार, अरे एक बार बातों को समझें क्या, बड़े ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, बहुत ही ध्यान से। आप बोलेंगे सर हम क्वेश्चनों में कई बार सीपी को 100 रुपया मान लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ दुनिया की सारी वैल्यू अपने आप का कितना परसेंट? सर सीपी भी 100%, एसपी भी 100%, मार्केट प्राइस भी 100%, आप किसी को भी 100% मान सकते हो। यहां पर एसपी पर काउंटिंग करना है, अगर एसपी पर काउंटिंग करना है ना, इसलिए मैं एसपी को 100 रुपया मान लेता हूं कि भाई 100 रुपया है विक्रय मूल्य, एसपी 100 रुपया, विक्रय मूल्य 100 रुपया। अब अच्छा उस बिचारे से गलती हुई यार, गलती ये हो गई कि उसने एसपी पे देख लिया कि 25% का लाभ हुआ, समझ पा रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ 100 का 25% 25 रुपया, ऐसा मत करो यार, 100 का 25% 25 रुपया, 100 का 25% 25 रुपया। आप बोलेंगे 25 रुपया, सर 25 रुपया प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट है 25 रुपया, 25 रुपया। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि यार आपने है ना 100 रुपए में कोई वस्तु बेच दी और 25 रुपया उस पर कमाया, अगर आपने 100 में बेच दी और 25 रुपया कमाया है, तो आपने उस वस्तु को खरीदा कितने में था? 100 माइनस 25। आप बोलेंगे 75 में खरीदा था, सर 75 में खरीदा, 25 रुपया कमा गए और 100 रुपए में बेच दिया, तो मतलब 75 तो आगे देना ही है ना आपको, समझ? अरे भाई 100 रुपया आया आपके पास, उसमें से 75 तो आगे देना है, 25 रुपए आपको बच जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इस वस्तु का सीपी है 75 रुपया। अरे यार है ना, तुमको अगर ऐसे बात समझ में नहीं आ रही ना, तो तुम इस फार्मूले की मदद लो, मैं सोच रहा था तुम्हें प्रैक्टिकली समझा दूं। देखो मेरी बात सुनो, अभी तो अपन ने देखा है प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। अरे अभी थोड़ी देर पहले ये फार्मूला लिखा है ना, तो ये लीजिए सर, एसपी है 100 रुपया, सर प्रॉफिट है 25 रुपया, तो आप हमें ना सीपी बता दो, सीपी क्या है? अच्छा क्या आपको पता है माइनस का 100 प्लस का 100 है, बराबर के उधर जाएगा माइनस का 100, बताओ माइनस 100 प्लस 25 माइनस 75,
माइनस का 75 बराबर माइनस का सीपी। आप बोलेंगे सीपी आ गया 75 रुपया। आपने कोई सी वस्तु खरीदी 75 में और अगले को बीच दी 100 में, तो तुम्हें नहीं पता 75 में खरीद के ला रहे हो और 100 में बेच रहे हो, तो बीच में कितना कमा रहे हो? समझ पा रहे हो? 25 रुपया कमा रहे हैं सर। आइए देखिए अब जरा इस बात को बड़े ध्यान से। अच्छा, अब उसने बोला उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ मुझे, प्रॉफिट परसेंटेज। अगर ओरिजिनल निकालना हो तो किस पर निकालूं? सीपी पर। आप बोलेंगे सीपी पर। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है? 25 का। 25 का प्रॉफिट सीपी, सीपी 75 मल्टीप्लाई 100। आप बोलेंगे ये समझ गए है ना, 25 एकम 25, 25 या 75। क्या 1/3 का आपको परसेंटेज पता है? 33 इंटीजर 1/3, 33.33 या 33 इंटीजर 1/3% ये प्रॉफिट होगा। लिखिएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार एक दुकानदार गलती से विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है और 20% लाभ पाता है और 20% लाभ प्राप्त पाता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। हाँ जी, आप बोलेंगे सर मैं एसपी मानूंगा 100 और एसपी का 20% 20 रुपया, 20 रुपया प्रॉफिट। 100 रुपए में बेचकर अगर 20 रुपया कमा रहे हो तो 80 रुपए लगाए होंगे आपने, सीपी आ गया 80। अब आपको पता होना चाहिए 20 80 का 25%। चलिए आइए आइए देख लेते हैं। सर मैंने एसपी मान लिया है 100 रुपया, उसने बोला 20% का प्रॉफिट हुआ। आप बोलेंगे सर सीपी हो गया है 100 माइनस 20 80। अच्छा, अब उसने बोला कि वास्तविक लाभ बताओ, तो आप बोलेंगे सर वास्तविक लाभ तो इस 80 पर निकलेगा। 20 80 का कितना परसेंट? आप बोलेंगे सर 20 चौके 80 और 4 से कटेगा 25 बार 25%। क्या मेरी इस बात को आप समझ गए? पर कहानी हर बार इतनी आसान नहीं होती सर, जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं। फ्रैक्शंस की मदद लेना होती है सर। क्यों? क्योंकि अभी आगे आने वाले नंबर परसेंटेज ऐसे होंगे जो अगर मैं 100 से करूंगा तो वो थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाएंगे। ये पहला वाला क्वेश्चन में आपको दे रखा था 25%। अच्छा बताइए 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 25 एकम 25, 25 चौके 100। अगर ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझते हैं तो अगला क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब अगले क्वेश्चन में मैं फ्रैक्शन यूज करूंगा। समझ पा रहे हैं? सुनिए बड़े ध्यान से सर, 25% को आपने फ्रैक्शन में लिखवाया था 1/4। मैं आपसे बोलता हूं कि इस नीचे वाले वैल्यू को मैं एक्चुअल वैल्यू मान रहा हूं, मैं इसको एसपी मान रहा हूं। 4 रुपए में खरीदा, 4 का 25% कितना? 1 रुपया। एसपी है 4 रुपया, प्रॉफिट कमाया 1 रुपया। बताओ 4 रुपए पर 1 रुपया कमाया तो खरीदा कितने में था?
अगर 4 रुपए में 1 रुपया कमा लिया तो खरीदा 3 रुपए में, तो आप बोलेंगे सर अगर आप हमें इसको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का बोलोगे तो 1 रुपया कमाया 3 रुपए पर, मतलब 1/3, 1/3 का मतलब जानते हो 33.33, अरे 1/3 का मतलब जानते हो 33.33। सर अगर मैं ऐसे को करता तो मेरा काम ओरल ही हो जाता, अगर मैं ऐसे करता तो मेरा काम ओरल हो जाता कि यार 1 रुपया कमाया 3 रुपए पर, तो 1 रुपया 3 रुपए का कितना परसेंट, 33 इंटीजर 1/3%। दूसरा सुनो आप बड़े ध्यान से, आप बोलेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने 20% लिया था, बताओ 20% का फ्रैक्शन अरे कितना होता है। ये प्रॉफिट के परसेंटेज के टॉपिक में लिखवाया मैंने, है ना, वो बात अलग है कि आपको याद कुछ नहीं है, बाकी ये सारे आपकी कॉपी में। सर 20% का मतलब 1/5। अच्छा मुझे ये बताओ, इस 5 को मान लेता हूं मैं एसपी, 5 रुपए में जब बेच रहे हो तो 1 रुपया कमा रहे हो, 5 में बेचकर अगर 1 रुपया कमा रहे हो तो खरीद के कितने में लाए बताओ, 1 रुपया 4 रुपए का है कितना परसेंट, 1/4 मतलब 25%। समझ पाए सर, 1 रुपया 4 रुपए का 25%। बताओ 16 सही 2/3% का मतलब, 16 सही 2/3% का मतलब। देखो यार तुम में से कुछ लोगों की आवाज ही नहीं आ रही क्योंकि उनको पता ही नहीं है, अब पता होगा कहां से, सर रिवीजन तो करते ही नहीं हम, ये सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, बाई चांस आपको नहीं आता तो ऐसे करते, सोल्व किया 48+2 डिवाइडेड बाई 3, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 2 0, 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 छंकी 30। क्लियर है, लिखेगा अगला क्वेश्चन, इस फ्रैक्शन की मदद लेना होगी। एक व्यक्ति विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करके भैया वो सेलिंग प्राइस पर काउंटिंग कर रहा है, ऐसा होता नहीं है पर आपको लिख कर दे दिया इसलिए मानना पड़ेगा। लाभ की गणना करके 16 सही 2/3% 16 इंटीजर 2/3% लाभ कमाता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। बिल्कुल सही है, क्या इस 1/6 को देखते हुए 6 रुपया सेलिंग प्राइस मान लोगे, 6 रुपए में बेचकर 1 रुपया अगर कमा रहे हो तो खरीद के कितने में लाए थे, 5 में, तो आप अब ये देख लो कि 1 रुपया कमा रहे हो 5 रुपए पर, अगर ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो 1/5 का मतलब होता है 20%। ये आ गया ओरली, देखिएगा जरा बड़े ध्यान से, लिख देता हूं मैं, वैसे इस क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन याद होना चाहिए मुझे 1/6। सर अगर मैं ऐसा मान लू इस फ्रैक्शन को देखकर कि 6 रुपया एसपी है, इस पर 1 रुपया कमाया, क्या आपको पता 6 रुपए पर 1 रुपया कमाओगे तो खरीद के कितने में लाओगे, 5 में खरीदा 1 रुपया कमाया, 5 में खरीद कर 1 रुपया कमाया, तो 1 रुपया 5 रुपए का कितना परसेंट, 1 रुपया 5 रुपए का कितना परसेंट। आप बोलेंगे सर 20 बार कटेगा 20%। आई थिंक क्लियर होगा, है ना। आखिरी क्वेश्चन 9 सही 1/11% बोलो, 1/11। अगर बाई चांस आपको नहीं आता तो मैं सॉल्व करके बता देता हूं, वरना 1/11 होता है, 11 * 99 99+1 100 100/11। आप बोलेंगे सर परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 2 0, 2 0 से 2 0 गए, 9 सही 1/11% का मतलब होता है 1/11। अब सुनो मेरी बात, ओरली जवाब दीजिएगा, अब लिखना नहीं है,
अब बिल्कुल नहीं लिखना है, सुनो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को। एक दुकानदार गलती से विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट की काउंटिंग करता है और उसका प्रॉफिट परसेंटेज होता है 9/1/11%, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ। आप बोलेंगे सर 11 रुपए सेलिंग प्राइस मानता हूं तो 1 रुपया प्रॉफिट होगा। अगर 11 रुपए पर 1 रुपया प्रॉफिट है तो बताओ खरीद के कितने में लाया? 10 में खरीद कर 1 रुपया कमा रहा है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज 10%। समझ पाए 1/10 का मतलब 10%। चलिएगा नेक्स्ट पर, अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 2016 कॉन्स्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है ना, 2016 वाली एग्जाम में कॉन्स्टेबल में आया है। अच्छा एक और बात को सुनो आप मेरी बड़े ध्यान से, सुनो बड़े ध्यान से मेरी बात को। अच्छा मैं कोई परसेंटेज अगर ऐसा रख दूं जिसका फ्रैक्शन आपको नहीं आता, और हो सकता है कि आगे इस टाइप का आपको मिल जाए, चलिए मैं आपके सामने ये लिख देता हूं 5/2/5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे तो बताओ आप मुझे। 5 × 5 = 25 + 2 आप बोलेंगे 27/5 और परसेंटेज का साइन हटाया 20। इतना समझ पाए? अब काट नहीं पाओगे क्योंकि ऊपर 27 है, 27 के अंदर 3 × 3 = 3 आता है। क्या 3 × 3 × 3 होता है? और 500 के अंदर 1 × 5 आता है, 2 × 2 आता है और फिर 2 × 5 आता है, मतलब 3 × 5 और 2 × 2। तो आप बोलेंगे सर नीचे तो 3 एक भी बार है ही नहीं, कटेगा ही नहीं, क्योंकि 27 के टेबल में कभी 500 नहीं आता। समझ पा रहे? तो इसका मतलब इसको फ्रैक्शन में 27/500 बोलेंगे। ये तो नहीं है फ्रैक्शन, दूसरा है, उसको ऐसे काउंट कीजिएगा आप, है ना, ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा। लिखिएगा 657, 657 रुपये, 657 रुपये के एक चांदी के हार, के एक चांदी के हार की बिक्री करके, की बिक्री करके एक जोहरी को, एक जोहरी को 8 × 3/4%, 8/3/4% रुपए की हानि होती है, रुपए की हानि होती है। तो उस हार की का क्रय मूल्य क्या है? तो उस हार का क्रय मूल्य कितना है? ये 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको एग्जाम में, 720, 620, 420, 520। वो हार उस जोहरी ने कितने में खरीदा था है ऑप्शन में? तो जब 657 में बेचता है तो 8 × 3/4% का लॉस होता है, तो आप बताइए उस जोहरी ने उस हार को कितने में खरीदा था? सीपी पूछ रहा हो दुकानदार का, ऑप्शन में नहीं है 730। बिल्कुल ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं। चलिए आइए आइए सुनिए बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को। बताइए 8 × 32 + 3 = 33। आप बोलेंगे 33/4। अच्छा आपको पता है ये परसेंटेज हटाएंगे तो 2 0 डिवाइड में 2 0,
अब आप बोलेंगे सर पांच से काट दो, पांच से काटते हो तो पांच से कटेगा सात बार और पांच से कटेगा आठ बार, सात बटा अस्सी। क्या इतना क्लियर है? आप बोलेंगे सर आठ सही तीन बटा चार परसेंट का मतलब होता है पैंतीस बटा चार सौ, आठ सौ के बत्तीस, बत्तीस प्लस तीन पैंतीस, पैंतीस बटा चार परसेंटेज हटाया तो दो जीरो। आप बोलेंगे सर हम पांच से काटते तो पांच से कटेगा सात बार, पांच से कटेगा अस्सी बार। अब सुनिए इस फ्रैक्शन से अपने को इस क्वेश्चन को करना है, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं ऐसा मान लेता हूं कि उस वस्तु का सीपी है अस्सी रुपया, इस फ्रैक्शन को देखते हुए उसने अस्सी रुपए में खरीदा और अस्सी में खरीद कर सात रुपए के लॉस पर बेच दिया। बताओ मुझे, आप अस्सी में खरीद कर लाए, सात रुपए की हानि पर बेच दिया, तो कितने में बेचोगे? 73 में, 73 में बेचोगे ना। आप बोलोगे सर एसपी हो जाएगा 73। क्या इस 73 की वैल्यू यहां दे रखी है एसपी 657? आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? मैंने 80 माना है सीपी, सात रुपए की हानि हुई, अस्सी रुपए में बेचने पर अगर सात, सॉरी अस्सी रुपए में खरीदा और सात की हानि पे बेचा, तो आप बोलेंगे सर 73 में बेचेगा और 73 की वैल्यू दे रखी है 657। 657 जो है ना, ये 73 की वैल्यू है। तो वो पूछ रहा है कि सीपी बताओ, सीपी बताओ, मैंने सीपी की वैल्यू क्या मानी है? क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए? क्लियर है? आप बोलेंगे सर ये 73 कहां से आया? 73 वहां से आया 80 माइनस सात से, है ना, 80 माइनस सात 73, 73 की वैल्यू ये है, तो 80 की वैल्यू वो पूछ रहा है। पर अब यहां पर दिक्कत ये है सर, 73 का टेबल किसको आता है? बिल्कुल सही है, या तो नौ बार काट दो आप, ये लो जी मैं काट देता हूं सर, 73 से ये कटेगा नौ बार और नौ आठ बहत्तर 720। लेकिन अब मेरी बात सुनो, सुनो आप मेरी बात बड़े ध्यान से, ये भाई ने बहुत बढ़िया लॉजिक लगाया और मैं भी ऐसे लगा लेता हूं लॉजिक, सर हमें नहीं आता है 73 का टेबल, अब नहीं आता है ये तो चलिए आसानी से नौ बार कट गया, अगर नहीं कटता तो दिक्कत आ जाती सर। सुनो मेरी बात, आप बोलेंगे सर ये 73 छोटा है 80 बड़ा है, समझ पा रहे हैं सर? मतलब ये 73 की वैल्यू दी है और 80 की वैल्यू पूछी है, तो क्या 80 73 से बड़ा है? तो मतलब जो भी नंबर आएगा, जो भी आंसर आएगा, वो 657 से तो बड़ा ही आएगा, समझ पा रहे हैं सर? 657 से बड़ा आएगा, तो 657 से बड़ा एक ही ऑप्शन दिख रहा मुझे, समझ पा रहे हैं क्या बात को सर? पहला तरीका 657 से बड़ा मेरा आंसर होगा, क्लियर है इतना? अच्छा हमने ना नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, सुनिएगा मेरी बात बड़े ध्यान से, सुनिएगा मेरी बात, क्या इस 80 का मतलब 8 गुणित 10 है? मतलब जो भी आंसर होगा क्या वो 8 का मल्टीपल होगा? सर मैं देखता हूं 8 से कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं। सर 8 के टेबल में 62 नहीं आता, 8 के टेबल में 42 नहीं आता, 8 के टेबल में 520 52 नहीं आता, एक ही नंबर है जो 8 के टेबल में आता है, समझ पा रहे हैं सर? दूसरा तरीका 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा तीसरा तरीका डिजिटल सम, डीएस। अरे भूल गए क्या? डीएस भूल गए? नहीं भूले, नहीं भूले तो सुनो सर, डीएस से भी तो कर सकते हैं हम। बोलो 6 और 5, 11 और 7, 18। 18 का मतलब 9। अच्छा 9 का मतलब 0। सर अब 9 में किसी भी नंबर का गुणा करो, उसका डिजिटल सम तो 9 ही होगा, 9 या 0 एक ही बात है, मतलब 9 होना चाहिए, डीएस 9 होना चाहिए। बोलो 6 प्लस 2, ये नहीं होगा, 4 प्लस 2, ये नहीं होगा, 5 प्लस 2, 7 प्लस 2, ये लो सर तीन तरीके हैं, तीन तरीके। मतलब सर आपने 73 का तो टेबल ही नहीं बोला एक भी बार, बिना टेबल बोले मैंने तीन तरीके से निकाल सकते हम लोग इस क्वेश्चन को, ठीक? तो ऐसा जरूरी नहीं कि 73 का टेबल आना ही चाहिए, बिना आए भी अपन आंसर बता सकते हैं,
चलिए लिखे अगला क्वेश्चन, अगला भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लिखेगा अगला क्वेश्चन है भैया 19 जुलाई वाले पेपर का, कांस्टेबल का है ना, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता ने, एक फल विक्रेता ने 16 रुपए और 15 रुपए, एक फल विक्रेता ने 16 रुपए और 15 रुपए दर्जन की समान संख्या है ना, सेम क्वांटिटी, इंग्लिश वाले लिखेंगे सेम क्वांटिटी, और हिंदी वाले इसको अंडरलाइन कीजिएगा, और इंग्लिश वाले भी समान संख्या सेम क्वांटिटी, 16 रुपए और 15 रुपए दर्जन की समान संख्या में, दर्जन की समान संख्या में 12 दर्जन संतरे खरीदे, 12 डजन, 12 दर्जन संतरे खरीदे, उसने 15.75 या 15.75 प्रति दर्जन के हिसाब से उन संतरों को बेच दिया, प्रति दर्जन के हिसाब से उन संतरों को बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ए ऑप्शन पर है 1 integer 19 divided by 31%, 2 integer 19 by 31%, 3 integer 19 by 31% या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, चलिए आइए आइए देखिएगा एक बार, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिए, कुछ लोग है ना एक दर्जन को 12 लिख रहे हैं, 12 दर्जन को 12 × 12 144 लिख रहे हैं, फिर वो ऐसे लिख रहे हैं सर 12 दर्जन में से 6 दर्जन 15 रुपए किलो वाले, 6 दर्जन ये 16 रुपए किलो वाले, 6 दर्जन का मतलब सर 72 के ले, अरे बस करो, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है, सुनो बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनो सर, 15 रुपए का एक दर्जन और 16 रुपए का एक दर्जन, इस भाव से, बिल्कुल सही है, 15 रुपए का एक दर्जन और 16 रुपए का एक दर्जन, इस भाव से उसने खरीदे। अच्छा फिर आप बोलेंगे सर उसने टोटल 12 दर्जन खरीदे, अच्छा 12 दर्जन का मतलब, और उसने समान संख्या में खरीदे, 15 वाले और 16 वाले समान संख्या में, अच्छा 12 दर्जन का मतलब यही 6 दर्जन ये और 6 दर्जन ये, समान संख्या का मतलब ये होगा ना सेम क्वांटिटी में खरीदे, सेम क्वांटिटी में मतलब टोटल 12 दर्जन है, तो 12 दर्जन में से 6 दर्जन 15 वाले खरीद लिए, 6 दर्जन 16 वाले खरीद लिए, अरे सेम क्वांटिटी का मतलब समझ गए क्या, क्लियर है इतना, आइए
सर 15 वाले 6 दर्जन, 6 डजन, और 16 वाले भी 6 दर्जन, डजन। अब आप बोलेंगे सर आप एक काम करो ना, अगर मैं इनको है ना एक एक किलो मान लेता हूं। देखो मुझे आंसर काहे में देना, परसेंटेज में। जब मुझे परसेंटेज में आंसर देना है तो मैं इनका रेशो ले सकता हूं, है ना, रेशो ले सकता हूं। बताओ मुझे 6 और 6 का रेशो 1:1, 6 और 6 क्या 6 एक से कटेगा, सॉरी 6 एकम 6, 6 एकम 6, ऐसा लिख सकता हूं ना। अब मैं आपसे बोलूं 15 रुपए का 1 किलो, बताओ उसका इन्वेस्टमेंट कितना, 15 रुपए। 16 रुपए का 1 किलो, बताओ कितना इन्वेस्टमेंट, 16 रुपए। अब मुझे बताओ ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, 31 रुपए का। अच्छा मुझे बताओ क्वांटिटी कितनी आ गई, 1 प्लस 1, तुम इसको 6 प्लस 6 12 कर रहे थे, मैंने इसको 6 6 को ही काट दिया, 1 1 लिख दिया, क्योंकि वैसे भी मुझे आंसर तो परसेंटेज में देना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वांटिटी से। वो तो सिर्फ कैलकुलेशन को बढ़ाने का एक तरीका है। सर हम 6 6 दर्जन लिख लें, 6 6 दर्जन को 72 72 केले लिख लें, और 72 72 मिला के 12 दर्जन हो जाएंगे 144, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। सुनिए मेरी बात। अच्छा अब उसने बोला है कि उसने ना 15.75 के हिसाब से बेच दिए, बताओ मुझे खरीदे कितने, तो बेचेगा भी 2 किलो, 15 का डबल, 0.75 का डबल, डेढ़। आप बोलेंगे डेढ़, 30 प्लस डेढ़, 31.5। अरे 30 में डेढ़ जोड़ना आता है, इसका डबल करना आता है, 15 का डबल 30, 75 का डबल 150, 150 का मतलब 1.5 रुपया, 30 रुपया प्लस 1.5 रुपया, 31.5 रुपया। समझ पाए क्या, ये लीजिए 31.5 रुपया। सर 31 रुपए में खरीदा और 31.5 में बेच दिया। अरे खरीदा कितने में, 31 में, और 31.5 में बेच दिया। क्या उसने 8 आने कमा लिए, 50 पैसे। आप बोलेंगे सर 50 पैसे का प्रॉफिट, समझ पा रहे। अच्छा और 50 पैसे का प्रॉफिट, 0.5 का प्रॉफिट। अच्छा 0.5 का प्रॉफिट कितने पर, 31.5 है 31, तो 0.5 31 का कितना परसेंट, बस यही तो पूछ रहा हो सर, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, और ये हमेशा निकलता है सीपी पर, तो ये रहा सीपी। ये पॉइंट हटाया तो इधर से एक जीरो हट जाएगा, 50/31, 50/31। क्या 31 से 50 एक बार कटेगा, अरे 31 के अगर मैं 31 से भाग दूं तो एक बार कटेगा, 31 एकम 31, 50 में से 31 गया रिमाइंडर 19, एक सही 19/31%। समझ पाए क्या, बहुत ही सिंपल तरीका ये। एक बार और इन शॉर्ट बता देता हूं, सुनो बड़े ध्यान से। 15 रुपए का 1 किलो और 16 रुपए का 1 किलो, बताओ 15 रुपए का 1 किलो और 16 रुपए का 1 किलो, 15 प्लस 16 = 31 रुपए, 31 रुपए सीपी, और 31 रुपए में कितने किलो क्वांटिटी, 15.75 का 1 किलो बेच रहे हो, 31 रुपए का खरीद रहे हो और 15.75 का 1 किलो बेच रहे हो, तो 15.75 का डबल 31.5, 31.5, बस इतना सा करना आपको। सर 31 में खरीदा, 31.5 में बेच दिया, 50 पैसे कमा लिए 0.5, और 0.5 कमाए 31 पर, तो 0.5 31 का कितना परसेंट, इतना सा निकालना है। क्लियर है क्या, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल, ठीक।